गुरुवार के दिन सुबह से ही मौसम के मिजाज अलग ही नजर आ रहे थे, तो वहीं दोपहर में अचानक से आसमान में काले बादल छाए और देखते ही देखते तेज आंधी के साथ बागली तहसील की चापड़ा खड़ी पट्टी में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगभग 40 मिनट तक तेज आंधी के साथ हुई बारिश के कारण सभी खेत जलमग्न हो गए, तो वहीं तेज आंधी के कारण कहीं पेड़ धराशायी हो गए। किसानों के अनुसार पहले से ही खेतों में नमी होने के कारण फसलों का उठाव कम दिखाई दे रहा था और गुरुवार को हुई तेज बारिश ने फिर खेतों को जलमग्न कर दिया है, जो फसलों के लिए नुकसानदायी हो सकता है। चापड़ा खड़ी पट्टी में तेज आंधी के कारण बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए, कहीं जगह तने से ही पेड़ धराशायी हो गए। वहीं तेज आंधी व बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण फसलों में काफी नुकसान पहुंचा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बेमौसम बारिश हुई है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान है। आलू में नुकसान बहुत ज़्यादा है और जो प्याज का कण लगा हुआ था वो भी पूरे तरह से ओलावृष्टि होने से वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया है और बिल्कुल किसानों को पूरी तरह से नुकसान है। और पहले से ही खेतों में काफ़ी नमी थी और ये बेमौसम बारिश होने से और नमी होने से और नुकसान बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।